हेलो फ्रेंड्स, होम गार्डन पोर्ट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और गर्म हवा चलती है, और स्पेशली हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो जून का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो ये टाइम हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत टफ होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो किस तरह से हम अपने प्लांट्स की देखभाल करें और किस तरह से हम अपने प्लांट्स को धूप और गर्म लू से बचाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जितना हो सके प्लांट्स को कवर्ड एरिया में, मतलब शेड के नीचे रख दें, या फिर इस तरह से ग्रीन नेट से उनको कवर कर दें। इस तरह से ये ग्रीन नेट है फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स को धूप से बचाएगी और जो गर्म हवा चलती है उससे भी, इसे हल्की धूप भी लगती रहती है प्लांट्स को। और अगर फ्रेंड्स जैसे आपके पास कुछ लिमिटेड ही प्लांट्स है तो, और अगर ग्रीन नेट अवेलेबल नहीं है, तो कोई पुरानी चादर या पुराने पर्दे से भी हम उनको शेड दे सकते हैं प्लांट्स को। तो सबसे पहले तो प्लांट्स को अगर धूप से बचाना है तो यही कह रहे हैं कि उनको कवर कर दें, उनको छाया कर दें किसी कपड़े से या पर्दे से या इस तरह से ग्रीन नेट से। फ्रेंड्स, प्लांट्स को हीट और धूप से बचाने के लिए हाँ, हमें एकदम उनको बहुत सारे प्लांट्स को एक इकट्ठा रख देना चाहिए। इससे क्या इनका मॉइस्चर बना रहता है और एक दूसरे को ये ठंडक देते रहते हैं, और इनका पानी भी जल्दी सूखता नहीं है, और इनका ह्यूमिडिटी लेवल भी बना रहता है, इसलिए बड़े हेल्दी और फ्रेश दिखेंगे प्लांट्स इकट्ठे रखे हुए। क्योंकि फ्रेंड्स, अलग से जैसे कोई पॉट रखा हुआ है तो उसको चारों तरफ से हवा लगेगी, लेकिन साथ रखे हुए होते हैं तो इस लू से ये बच सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है फ्रेंड्स, मल्चिंग। इसमें हम ये जो हमारा पॉट है उसकी जो ऊपर जो सोयल है उसको कवर कर देते हैं। जैसे इसमें ये मॉस ग्रास से कवर की हुई है। मॉस ग्रास तो फ्रेंड्स हम छोटे पॉट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखेगी, और तो इससे क्या ये मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं। इस तरह से मैंने अपने बड़े प्लांटर्स को फ्रेंड्स इस तरह से, ये इनकी जो सोयल है ऊपर की, ये इस तरह से ये मूंगफली के छिलकों से कवर कर रखी है। इस तरह से, इससे क्या ये मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं, और ये मिट्टी का मॉइस्चर बना रहेगा तो प्लांट्स को ठंडक मिलती रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इसमें ये पत्थर से भी कर सकते हैं, या फिर जैसे प्लांट पेड़ पौधों की जो सूखे पत्तियां होती है उनसे भी हम इस सोइल को कवर कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली के छिलके हैं, या अगर इसकी जगह ड्राई लीव्स हम यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोस्ट हो जाएगी और प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे, उससे वो खाद बन जाएगी। और फ्रेंड्स, जो हमारे छोटे छोटे प्लांटर्स में जो हमने प्लांट्स लगा रखे हैं, उनको हम इस तरह से जो बड़े हैं हमारे बड़े प्लांटर्स हैं उसके अंदर रख दें, इस तरह से, इस तरह से। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, इनको पानी जल्दी सूख जाता है धूप, ज़्यादा गर्मी धूप से, तो इस तरह से रख देंगे तो इस जो बड़ा हमारा ये गमला है उसका जो मॉइस्चर है उससे इस प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो ये अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने भी अपने छोटे छोटे सारे प्लांटर्स को दूसरे बड़े गमलों में रख रखे हैं। इस तरह से गर्मी से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, प्लांट्स को पानी का ध्यान रखें, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है तो उससे क्या बार पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो करीब करीब डेली पानी देना पड़ता है प्लांट्स को। कई कई प्लांट्स को तो दो, जो छोटे प्लांटर में लगे हुए हैं, तो उनको दिन में दो बार भी पानी देना पड़ता है। और फ्रेंड्स, पानी जब भी दें तो एक टाइम कम से कम दिन में एक बार तो प्लांट्स को अच्छे से इस तरह से नहला दें, इनकी निस्टिंग कर दें, क्योंकि
जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जिसको इस तरह से पाइप से पानी से नहला रहे हैं, बहुत खुश होता है। उसी तरह प्लांट्स भी फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स प्लांट्स गर्मियों में भी बहुत खुश रहेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने प्लांट्स को ग्रीन शेड के नीचे रख के, और हमारे बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ रख के, और इस तरह से इनका जो सरफेस एरिया है सोइल वो कवर करके, वाटरिंग का फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखते हुए अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं और तेज गर्मी से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लें। नए वीडियो में फिर मिलते हैं हम नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।